सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया, जहां परदेशीपुरा स्थित शिवधाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन करने के लिए पहुंचे थे। सावन महीने के दूसरे सोमवार को परदेशीपुरा स्थित शिवधाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां हर हर महादेव की गूंज मंदिर में सुनाई दे रही थी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिर में खासी भीड़ रही, जहां मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर पुजारी की माने तो जो भक्त साल भर किसी न किसी कारण से भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाते, वो यदि सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उन्हें पूरे साल भक्ति करने जितना फल प्राप्त होता है। पहले सभी भक्तगणों को सावन मास के द्वितीय सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन मास एक विशेष मास होता है, ये शिव जी का मास होता है। इसमें शिव जी की आराधना एवं पूजन करने का बड़ा महत्व माना गया है। जो भक्तगण साल भर भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते, वो केवल सावन मास में अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते तो साल भर पूजा करने का फल प्राप्त होता है, और अगर सावन मास में महीने भर ही पूजा नहीं कर सकते तो केवल सोमवार सोमवार भगवान का अभिषेक एवं पूजन करते तो पूरे सावन का फल प्राप्त होता है। आज सावन का द्वितीय सोमवार है, मेरा सही भक्तगणों से अनुरोध है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं पूजन करें। ऐसे तो विधान शास्त्रोक्त में विधान शिव जी के रुद्राभिषेक का है, जो भक्तगण रुद्राभिषेक करा सकते वो अवश्य रुद्राभिषेक कराएं और भगवान का अभिषेक एवं पूजन करें। जो भक्तगण ये महामारी जो अभी चल रही है इस कोरोना महामारी के दौरान अगर वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है वो घर में भी रहकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन कर सकते हैं। शास्त्रोक्त में ऐसा विधान दिया गया है, अगर आप अपने घर में रहकर मिट्टी के शिवलिंग का अगर निर्माण करते और उसका बना के पूजन करते तो शास्त्र में शिव पुराण में ऐसा उल्लेख दिया गया है कि जब और जहाँ इसका पूजन होता है वहाँ शिव जी अवश्य वहाँ पधारते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वयं घर पे भी भगवान भोलेनाथ को बुला सकते हैं, पार्थिव पूजन कर सकते हैं और पार्थिव पूजन के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है अवश्य पूजन करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, साथ ही विशेष भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाएगी। मेरा सही भक्तगणों से अनुरोध है इस महाआरती में आए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। वहीं सावन माह होने के कारण मंदिर में भी अलग अलग तरह के अनुष्ठान का दौर जारी है, जहां बड़ी संख्या में भक्त अपने भगवान का पूजन अर्चन करने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। ओम नमः शिवाय। देखिए महाकाल का जो आज सावन का जो महत्व है, वैसे पूरे साल ये महत्व रहता है कि पार्वती जी अपने नाखून में से महिलाओं को सुहाग देती है जिससे उनका सुहाग अमर रहता है, कवारी कन्याओं को वर देती हैं और जिनके कामकाज नहीं होते हैं वो भी पूरे होते हैं। पर श्रावण मास में इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि पार्वती जी और शंकर भगवान एक साथ बैठ के इनका पूरा अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। इस समय पार्वती जी पूरे उसमें रहती हैं, शिव जी भी बड़े प्रसन्न उसमें रहते हैं। और अभी जो कोरोना काल में लोगों को मन में भय है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर में थोड़ा सा अनर्थ हो रहा है, किसी के बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चों पे थोड़ी सी, तो सबको जो डर है और भय है वो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो कि शिवधाम मंदिर में आप देख रहे हैं, एक ज्योतिर्लिंग चढ़ाने से मतलब सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो लोग बग इस आस्था से आ रहे हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग में चढ़ाएंगे तो हमारा तो भला करेंगे, हमारे परिवार का भी भला करेंगे, हमारे आसपास वालों का भी भला करेंगे, सभी का भला हो। ये शायद 12 ज्योतिर्लिंग और भोलेनाथ जिसमें बैठे हैं वो कोरोना काल में सभी को स्वस्थ रखें, सभी का अच्छा हो, सभी के घर में मंगल कार्य हो। यहाँ आप देख रहे हैं रुद्राभिषेक चल रहा है जो कि गन्ने के रस से, फलों के रस से, इत्र से, भांग से, ये भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सभी को उनका मनवांछित फल प्राप्त होता है उनको। ये हमारे यहाँ शिवधाम पे, और यहाँ पे आप पार्थिव शिवलिंग भी देख रहे हैं, कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने में भगवान एक बार ज़रूर आते हैं और वो आके सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ एक पार्थिव शिवलिंग का इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर जो कवारी कन्याएँ रहती हैं उनको
सावन में या शिवरात्रि पर आने पे जो वो वर मांगती है वो तो मिलता ही है, अगले श्रावण तक उनके घर में शादी भी हो जाती है और उनका घर में सब कुछ अच्छा मंगल कार्य होता है। और आज शाम को मेवे से मावे से भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार होगा, जो कि शिव और पार्वती का एक साथ रूप आपको देखने को मिलेगा। कन्हैया जी की इच्छा थी कि आज भोले बाबा के दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के, तो उन्होंने मेरे को ही मतलब प्रेरणा दी कि मैं उनको लेके जाऊं और मंदिर में आके शिव भगवान के दर्शन कराएं। उनने दर्शन करे बढ़िया, 4 दिन के लिए पधारे, सिवनी से आए हुए हैं, कल नर्मदा दर्शन करे, ओमकालेश्वर महाराज के दर्शन करे, आज अपने इंदौर में यहाँ परदेशीपुरा पे दर्शन कर रहे 12 ज्योतिर्लिंग के। और सभी को मेरी राधे राधे, और इनके बारे में चमत्कार जो स्वयं देखेगा उसको बताएंगे, वो अपने आप देख लेते हैं उनके चमत्कार क्या हैं। दूध चाय पानी सब पीते हैं, जिसकी अच्छी श्रद्धा भक्ति रहती है उसके हाथ से पीते हैं, अन्यथा नहीं, उनकी इच्छा होगी तो बस। सभी को राधे राधे, इतना ही बोलो, बस यही कामना है, अंदर अच्छी मन अच्छा रखे मेरा हमेशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के दर्शन मिले, बस यही मेरी इच्छा है, मन अपने जैसे आए वैसे ही जाए। आज सावन सोमवार है, आज 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ यहाँ दर्शन हुए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छे से मैंने बिलपत्र नारियल पूजापा सब प्रसाद सब चढ़ाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि पूरा परिवार सकुशल रहे और ये जो महामारी है उससे सबको ही मुक्ति मिले। ईश्वर भगवान भोलेनाथ महाकाल राजा सभी ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग से प्रार्थना की कि हे ईश्वर इस पूरी सृष्टि को पूरे खुशहाल रखे और किसी भी तरह की कोई बीमारी से किसी तरह का किसी को कष्ट नहीं रहे, ईश्वर से यही मानव कामना करिए। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय ओंकारेश्वर, जय 12 लिंग ज्योतिर्लिंग की जय हो। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और यही कारण है कि इस माह आने वाले हर सोमवार को भक्त भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं।